गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें चतुर्भुजों को समझना है, ये चैप्टर है, इसमें जो एक्सरसाइज 3.3 है इसमें हम जो जानने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी बेस्ड हैं समांतर चतुर्भुज बेस्ड हैं। तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज की क्या क्या क्वालिटी होती है। समांतर चतुर्भुज क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसको हम आगे तक भी अगर हम उसकी लाइनों को बढ़ाएं, समांतर का मतलब है ऐसी लाइन जिनके बीच में समान अंतर हो। अब मान लो ये दोनों लाइनें इनमें कोई आगे ना ही घटेंगी ना ही बढ़ेंगी, इसी साइड में आगे बढ़ेंगी ये। अच्छा, अगर हम दो लाइन और समांतर डाल दें इन पे, तो आप देखते हैं जो चतुर्भुज बना है ये कैसा होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो दूसरा पॉइंट है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। मतलब जो एक मैं यहां चतुर्भुज बना देता हूं, आपका समांतर सही सा बढ़िया सा बना देते हैं। ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं अगर ये 5-8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। दूसरी बात इसने कहा समांतर, इसमें होगी तीसरी नंबर पे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक। संपूरक कोण का मतलब है ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो आप देखो, इन दोनों को देखो, चाहे ये भी 180 आएगा, या इन दोनों को देखो इन्हें भी जोड़कर ये भी 180 आएगा, या इन दोनों को जोड़ो तो ये भी 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 180 आएगा। मतलब आसन कोण ऐसे कोण होते हैं जो एक के बाद दूसरा, कंसेक्यूटिव भी कह सकते हैं, लगातार आने वाले भी कह सकते हैं। तो लगातार आने वाला कोण, इसके बाद एक के बाद अगला वाला कोण, इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम संपूरक हो जाएंगे वो पॉइंट्स। ठीक है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है इस तरीके से बांटना कि वो दो इक्वल पार्ट्स में बट जाए, बराबर बराबर भागों में बटे। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के लिए मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, तो अगर ये पूरा 15 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर का है, नॉर्मल ले दें, तो ये वाला 8 होगा और ये वाला भी 8 होगा। अगर मान लीजिए ये आपका 8 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये वाला पार्ट ए, ये वाला पार्ट 4 और ये वाला पार्ट 4, ये वाला 8 तो ये वाला 8। मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर एक में देखते हैं क्या कहा इसने। क्वेश्चन नंबर एक में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एडी क्या होगा, आप देख सकते हैं एडी के समांतर जो भुजा है वो एक जो सामने वाली भुजा है, सम्मुख भुजा है, वो उसके बराबर होगी। एडी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर। एंगल डी सी बी, डी सी बी ये वाला एंगल बराबर होगा डी ए बी, डी ए बी के एंगल डी ए बी के, क्योंकि हमने समझा था कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओसी किसके बराबर होगा, ओए के। क्यों? क्यों? जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और ये वाले एंगल्स का एंगल ए एंगल डी कैसे, डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल। अच्छा, मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, सी डी ए ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, संपूरक होंगे, 180 डिग्री होगा।